दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी आदतों के बारे में, कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में जो कि हमारी किडनी की हेल्थ के ऊपर काफ़ी नेगेटिव असर डालती हैं। इन आदतों को जानने से पहले जानते हैं कि किडनी का हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन होता है। किडनी हमारी बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, ये बेसिकली ब्लड को फिल्टर करती हैं और जो भी टॉक्सिन्स या जो भी नेगेटिव आयन्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर उनको फिल्टर करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का काम करते हैं यूरिनरी सिस्टम के थ्रू। किसी भी कारण से अगर किडनी प्रॉपरली काम ना करे तो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे बॉडी के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर किडनी प्रॉपरली फंक्शन ना करे तो आपको बॉडी के अंदर डिफरेंट तरीके की परेशानियाँ और बीमारियाँ देखने को मिल सकती हैं। हमारी किडनीज की हेल्थ हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी कुछ आदतें ऐसी हैं जो कि किडनी की हेल्थ को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। पूरी दुनिया के अंदर जैसे कि डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर 10% से भी ज़्यादा लोग सीवियर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम से आजकल जूझ रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम हो क्यों रही हैं, इन्हीं के कारणों को समझते हैं। इनके कारण हैं आपकी डेली लाइफ की कुछ आदतें। पहली और सबसे मेजर आदत जो देखने को मिलती है वो है सॉल्ट इनटेक। जब आप बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, जब खाने के अंदर आप नमक की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, तो उस नमक को बॉडी से रिलीज़ करने के लिए, बॉडी से प्यूरीफाई करने के लिए या ब्लड से हटाने के लिए, खाना जब पचता है उसके बाद उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए किडनी को ओवरवर्क करना पड़ता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी की अगर 9 घंटे की शिफ्ट है और उसको अगर 14 से 15 घंटे काम करना पड़े तो उसकी क्या हालत होगी। उसी तरीके से ज़्यादा नमक खाने से हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग चीज़ों के जो एक बैलेंस है वो बिगड़ने लगता है। बॉडी की एक जो परफेक्ट बैलेंस कंडीशन है वो अटेन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है और किडनी के टिश्यू स्पेस का एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसे हमने बात करी नमक की, वैसे दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट आदत है जो लोगों के अंदर देखने को मिलती है जिसकी वजह से किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट आता है, वो है शुगर का इनटेक। जब आप शुगर लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के बाद उस शुगर को ब्लड से एक्सट्रैक्ट करने का काम या फिर कहें कि प्यूरीफाई या फिल्टर करने का काम किडनीज का ही है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो एकदम से आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी किडनी को अगेन ओवरवर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये एक परेशानी आपको देखने को मिलती है कि किडनी की हेल्थ प्रॉपर नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं। आप जब भी अपना किडनी से रिलेटेड कोई भी टेस्ट कराते हैं तो उसकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आती हैं, यूरिन करते टाइम आपको जलन हो सकती है, ये सारी परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। अगली आदत की बात करें तो वो है डिहाइड्रेशन। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर जहाँ हम हर एक चीज़ को बहुत मल्टीटास्किंग के साथ करते हैं, इन सब के बीच में हम हमारे ब्रेन को कॉन्शियसली कमांड नहीं कर पाते पानी पीने के लिए, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होने लगता है, पानी की मात्रा कम होने लगती है, जिसके कारण बॉडी से टॉक्सिन्स पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं हो पाते। जब ये टॉक्सिन्स या नेगेटिव आयन्स बॉडी से रिलीज़ नहीं होते हैं तो ये बॉडी के डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट जगहों पर अलग अलग तरीके की परेशानियाँ क्रिएट करते हैं। डिहाइड्रेशन अगर होगा तो जब किडनी फिल्ट्रेशन कर रही है तो वो प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाएगा, टॉक्सिन्स को अच्छे से किडनी रिलीज़ नहीं कर पाएगी, बॉडी से रिमूव नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से आपको कई सारी परेशानियां किडनी से रिलेटेड देखने को मिलती हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप 40 या 50 ईयर की एज के आसपास हैं तो आपको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। कुछ और हैबिट्स के बारे में बात करें, कुछ और आदतों के बारे में बात करें जिनका सीधा सीधा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है आपकी किडनी के ऊपर, तो वो है अल्कोहल का कंजप्शन। जब आप अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, जब आप अल्कोहल का इंटेक करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होता है और वो डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पर होता है। किडनी के टिश्यूज़ के ऊपर वो नेगेटिव इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से किडनी की हेल्थ पर डायरेक्टली उसका इफेक्ट पड़ता है। और अगर अगली आदत की बात करें तो वो है कैफीन इंटेक। आजकल इंडिया के अंदर बहुत कॉमन चलन है कि हम दिन के अंदर चाय पीते हैं। अगर आप एक से दो बार चाय पीते हैं तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा चाय ले रहे हैं तो बॉडी के अंदर कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है, बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। इस कैफीन की मात्रा को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, टॉक्सिन्स को एक बैलेंस कंडीशन में लेके आने के लिए किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से अगेन टिश्यूज़ के ऊपर, किडनी के जो टिश्यूज़ हैं उनके ऊपर बर्डन आता है, जिसकी वजह से किडनी की हेल्थ इम्पैक्ट होती है। इसके साथ साथ
सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जहाँ पे बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, आप दिन भर से बैठे रहते हैं, इस तरीके का काम है, तो भी बॉडी के अंदर प्रॉपरली मूवमेंट ना होने की वजह से भी कई बार टॉक्सिन रिलीज नहीं हो पाते हैं, किडनी के ऊपर इसका इफेक्ट आता है, तो ये भी एक कंडीशन है। अगर हम जानें कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनको अपनाकर हम इन सारी कंडीशंस को रिवर्स कर सकते हैं, तो इन आदतों के अंदर ही इनका सॉल्यूशन है। यानी कि अगर आप नमक बहुत ज़्यादा लेते हैं या चीनी बहुत ज़्यादा लेते हैं, शुगर का इंटेक ज़्यादा है, तो उसको कम करें, कंट्रोल करें, या हो पाए तो बिल्कुल ही बंद कर दें। ये आपकी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। अल्कोहल का कंजप्शन है, कैफीन का इंटेक है, तो उसको बहुत लिमिटेड मात्रा में करें, या फिर जितना हो सके उससे दूर रहें अल्कोहल से। खास तौर पे अल्कोहल जब आप लेते हैं तो आपकी पूरी बॉडी के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट उसका देखने को मिलता है। इसके साथ साथ सेडेंट्री लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाना शुरू कर दें। ज़रूरी है कि आप अपने दिन के अंदर 30 से 40 मिनट की एक्टिव एक्सरसाइज रखें। वो वॉकिंग हो सकती है, जॉगिंग हो सकती है, नेचर के अंदर जाएं, कुछ देर टहलें। ये भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी आपकी बॉडी को एक्टिव करने में और किडनी की हेल्थ को रीस्टोर करने में। अगर आपको डिहाइड्रेशन की परेशानी है तो आप अलार्म लगा सकते हैं मोबाइल के अंदर। आप हर एक से दो घंटे का अलार्म लगाएं पानी पीने के लिए। कॉन्शियसली अपने आप को प्रोग्राम करें कि पानी पीना है, जिससे बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो, और आप अगर डिहाइड्रेशन की कंडीशन कभी रही है तो उसको भी ओवरकम कर सकें। अगर आप कैफीन का इंटेक कर रहे हैं, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, इस तरीके की चीज़ें अगर आप लेते हैं, तो भी पानी का मात्रा आपको लेनी ही होगी। अगर आप एक कप चाय पीते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ही आपको कम से कम 3 से 4 ग्लास पानी पीना होता है, ताकि आप उसके नेगेटिव इफेक्ट को, उसके टॉक्सिन्स को बॉडी से रिलीज करने में मदद कर सकें। लेकिन एक तो हम कैफीन का इंटेक कर रहे हैं, ऊपर से हम पानी भी नहीं पीते, जिसकी वजह से किडनी के टिश्यूज़ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और बॉडी के अंदर कई सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं। आई होप किडनी के ऊपर जो नेगेटिव इफेक्ट डालने वाली आदतें हैं, इसके बारे में ये वीडियो आपको पसंद आएगी एंड ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नए वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी।